गाइस बहुत ही पॉजिटिव जगह है यार, आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये बेसिकली नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, भीम करोली बाबा का मंदिर कैंची धाम। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यार, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे। मतलब डिस्क्राइब करना थोड़ा सा हल्का पड़ रहा है कि कितना पॉजिटिव है। बाकी इस रोड पे तो यार अगर देखें रेस्टोरेंट्स वगैरह तो बसेस भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी इनके। अगर आप बस से आते हो, आप देखें रानीखेत बस, ठीक है ना, हल्द्वानी से आप बस पकड़ सकते हो। बाकी हम देखें अलग अलग तरीके की शहद चटनी और बाकी खाने वगैरह की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। बाकी समय क्या है यार, हम 12 बजे हैं, सोच रहे हैं कुछ पार्लर रेस्टोरेंट में, तो इट्स अ पॉजिटिव प्लेस। सो वेलकम टू द व्लॉग गाइस, जस्ट कैंची धाम के साथ ही रेस्टोरेंट है जिसकी एंट्रेंस मैंने आपको भी दूसरे वाले व्लॉग में बता दी थी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने मंगाया क्योंकि यार पहाड़ में अगर आप आए हो एकदम से, सो हमें कुछ ज़्यादा हैवी वगैरह खाओगे तो पेट ख़राब होने की प्रॉब्लम रहती है क्योंकि हमें ट्रैवल लंबी आगे करना है। तो हमने मंगाया है अपना बटर रोटी फ्राइड दाल फ्राई। बाकी जो प्राइजेज हैं वो रिजनेबल हैं, 180 रुपये की दाल है, बाकी रोटी वही जो आम होती है वही है। बाकी यहाँ पे अच्छा एटमोसफेयर है, बैठे हैं बिल्कुल मंदिर के जस्ट साथ, अगर मैं आपको दिखाऊँ देखें जस्ट साथ उसी रोड पे है और साफ सुथरा प्लेस है, कोई तो दिक्कत नहीं है। और अगर आप भी कभी आते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने किसी भी लव्ड वन के साथ, तो बिल्कुल यार यहाँ पे आप आ सकते हो, सामने है। बाकी यार अगर आपका कोई भी एल्डर है और आपको लगता है कि यार ज़्यादा चढ़ाई और ऐसी कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, आप पार्किंग में गाड़ी लगाने से पहले अपने एड्रेस को आप मेन गेट पे ड्रॉप कर सकते हैं, जस्ट आगे जाके पार्किंग लगा सकते हैं, सेम चीज़ वैसी आप उन्हें पिक कर सकते हैं। और टेक्निकली मेरे हिसाब से तो यार इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्लेस, अगर आप एक बार आओगे तो दैट्स फॉर श्योर दोबारा आने का आपका बिल्कुल होगा। बाकी वही आ सकता है यार हनुमान जी के स्थान पे, जो जिनको हनुमान जी बुलाते हैं टेक्निकली। बाकी इससे पहले मैं भी नैनीताल बहुत बार आया था, ठीक है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे नहीं आ पाया। हफ्ते दस दिन पहले मेरे फ्रेंड थे यहाँ पे, वो भी आए थे, मेरा नहीं बन पाया, वो सो थैंक्स टू हिम बेसिकली। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं सरिया हूँ, भगवान जी ने बुलाया पर हम चले आए। बेसिकली मैं तो चुपचाप बैठा था, ही कॉल्ड 10 बजे के आसपास, ही सेड कि यार चलेगा। सो मतलब कोई प्लान नहीं था, कोई कुछ नहीं था। हफ्ते दस दिन पहले मेरा दोस्त गया था, तब मेरा मन था लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था, सो आए लाइक कुछ कह नहीं सकते थे। बट एट द एंड वही कहते हैं जब भगवान बुलाता है सच्चे मन से अगर आप कहो तो आप पहुँच जाते हो, सो दैट्स अ रीज़न। ही इज़ ऑल्सो राइट कि यार बुलाने वाला तो ऊपर वाला है। बाकी इट्स जनरली इट्स वेरी, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव जगह है। लेकिन खाना भी आ गया है यहाँ पे, है ना, गुड प्लेस। बाकी ऐसे यार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। रोड जो है, अगर दिल्ली से आप यहाँ आना चाहते हैं तो जो रोड है वो भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हो सर, आपने गाड़ी चलाई, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, भगवान की कृपा है, अच्छी रोड्स हैं, बहुत बढ़िया रोड्स हैं। एंड आप कन्वीनियंटली दिल्ली से आप 7-7.5 आवर्स या मैक्सिमम आप 8 घंटे के अंदर आप आराम से आएंगे, धीरे से धीरे भी आएंगे तो भी आप 8-8 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे यहाँ पे। और मैं तो बोलूँगा ज़रूर आए, विज़िट करिए इस जगह को, यू विल फील द पॉजिटिविटी। एंड एक हनुमान जी की जो यहाँ पे कृपा है वो आपको ज़रूर महसूस होगी कि यहाँ पे एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जो आपको फील ज़रूर होती है, विच इज़ वेरी पॉजिटिव। तो ही इज़ राइट एज
भाई ने बताया आपको, बहुत ही पॉजिटिव जगह है। एक बार आप आओगे तो बस यहाँ के बंद के रह जाओगे, मेरे को तो ऐसा लगता है। सो मेरे को यही है कि यार मैं आया हूँ तो मैं और फैमिली मेम्बर्स हैं जो अभी नहीं आए हैं वो भी एक बार विजिट जरूर करें। एग्जैक्टली, मैं भी इसलिए पहली बार आया हूँ, अब मैंने देख लिया है तो आई विल ब्रिंग माई पेरेंट्स और अपनी वाइफ को लेके आऊँगा विद गॉड्स ग्रेस। बस भगवान की कृपा बनी रहे हम सब पर और पूरे संसार पर, मौका मिले सबको, सब यहाँ पर ज़रूर आए। बाकी यार यहाँ पे थोड़ा ना इंटरनेट, अपना जो इंटरनेट है जैसे मोबाइल टावर हैं उसमें दो या तीन ही लाइंस आ रही हैं, सो वीडियो कॉल वगैरह जो हैं वो एक लिमिट तक ही आप कर पाओगे। बाकी जो मेन एंट्रेंस है मंदिर की, वहाँ पे फ़ोन कैमराज ये अलाउड नहीं है और हमें इस चीज़ का जो डेकोरम है उसे मेंटेन भी करना चाहिए, है ना। बाकी बाहर आप अगर देखें जो मेन पुल है जहाँ से नीचे से नदी बह रही है वहाँ पे जहाँ बैठे हैं इनको थोड़ा व्यू दिखाओ, बिल्कुल मंदिर के बहुत अच्छी, ये भी एक जगह है जहाँ पे पूरी बहुत ही प्यारी जगह पे बैठे हैं, जिसे कहते हैं ना बस नीम करोली बाबा जी हैं जो उन्होंने ही बुलाया है, वही व्यवस्था कर रहे हैं सारी। देखें खाना भी आ गया हमारा, आए सर रखें। सो गाइस खाना आ चुका है, सो गाइस खाना खा लिया है, बहुत ही जैसे कहते हैं घर जैसा और प्यारा खाना था। सर आपका कहते हैं? सर बिल्कुल यार सात्विक भोजन, हम आए हैं धर्म वाली जगह पे फॉर रिलीजियस पर्पस, तो बिल्कुल सात्विक खाना और बहुत ही अच्छा खाना, सात्विक खाना, साफ़ सुथरा, बाकी बहुत ही प्यारी लोकेशन, सामने मंदिर दिख रहा है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने देखा लोकेशन एम्बियंस बहुत ही अच्छी है, वाइब्स बहुत अच्छी हैं, खाना भी उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया और फुल फुल सेटिस्फैक्शन। सो भाई अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं, मतलब भाभी के साथ आते हैं, मासी के साथ आते हैं, अंकल के साथ आते हैं, तो आप प्रेफर करेंगे यहाँ पे खाना खाना या क्या? बिल्कुल बिल्कुल यहीं पे, एग्जैक्टली यहीं पे, बिल्कुल बिल्कुल आपको ना एक साफ़ सुथरा और अच्छा एम्बियंस मिलेगा, प्लस खाना तो यही सात्विक जो भाई ने बताया घर जैसा, प्लस जो ये व्यू है ना भाई, दिल करता है कि देखते जाएँ। सो इसी बात के साथ ये जो फूड वाला जो था बताना था आपको कि आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, हमने ये वाला चूज़ किया। बाकी लगता है जिस हिसाब से इस जगह में पॉजिटिविटी है हर जगह ही अच्छी होगी। सो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय बालाजी की। टेक केयर गाइस, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।